शहर के तिरपुड़े कॉलेज की ओर से क्रिसेंडो का आयोजन किया जा रहा है। नागपुर शहर के सबसे लोकप्रिय युवा महोत्सव का 21वां आयोजन 23 जनवरी 2020 से 2 फरवरी 2020 तक तिरपुड़े कॉलेज के मैदान में आयोजित किया जा रहा है। युगांतर एजुकेशन सोसाइटी का एक हिस्सा तिरपुड़े इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन पिछले 20 वर्षों से इस युवा महोत्सव का आयोजन कर रहा है। क्रिसेंडो ना रूलरशिप ना सिटीजनशिप, हंगरी फॉर फ्रेंडशिप या इस साल क्रिसेंडो की थीम है। इस वर्ष इस युवा महोत्सव को विशेष महत्व है क्योंकि यह युगांतर शिक्षण संस्था के संस्थापक स्वर्गीय श्री नासिक राव तिरपुड़े इनका 100वां जयंती वर्ष है। प्रत्येक वर्ष इस युवा महोत्सव में करीब करीब 22,000 छात्रों का सहभाग देखा जाता है। इस महोत्सव के आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार व ब्रांडिंग की जाती है जो शिक्षण क्षेत्र में सामान्यता देखने को नहीं मिलता है। नागपुर के युवा क्रिसेंडो की बहुत प्रतीक्षा करते हैं क्योंकि इस महोत्सव द्वारा नागपुर के विद्यार्थी समुदाय एक छत्र के नीचे मजा मस्ती खेल व मनोरंजन के लिए एकत्रित होते हैं। इस क्रिसेंडो के दो भाग होते हैं, एक कल्चरल तो दूसरा स्पोर्ट्स है। क्रिसेंडो कल्चर फेस्ट में फैशन शो, डांस, वॉर ऑफ डीजे, क्विज, अंताक्षरी, फिल्म मेकिंग और फोटोग्राफी, पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट, सिंगिंग एंड मेकिंग, ट्रेजर हंट, टिकटॉक और आर्ट अटैक जैसे कार्यक्रम शामिल है। वहीं क्रिसेंडो स्पोर्ट्स में क्रिकेट, कैरम, शतरंज, फुटबॉल, खो खो, टग ऑफ वॉर, ट्रेजर हंट, कबड्डी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लैन गेमिंग, पबजी, वॉलीबॉल, आर्म रेसलिंग और कार रेसिंग जैसे कार्यक्रम शामिल है। इस लोकप्रिय युवा महोत्सव के लिए पहले से ही 1800 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई है। क्रिसेंडो ना रूलरशिप ना सिटीजनशिप, हंगरी फॉर फ्रेंडशिप इस युवा महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन 23 जनवरी को शाम 6 बजे किया जाएगा। इस समय अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नीलेश भरने सह पुलिस आयुक्त विनीता साहू और युगांतर शिक्षण संस्था के अध्यक्ष राजकुमार तिरपुड़े मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे। इस मेगा इवेंट की एक विशेषता यह है, इस कार्यक्रम में संपूर्ण कॉर्पोरेट स्टाइल संस्था की संरचना तैयार की जाती है जिसमें छात्र ही सारे कार्यक्रम का आयोजन तथा व्यवस्थापन करते हैं। इसमें विद्यार्थियों को उनके उत्कृष्टता तथा पसंद के अनुसार विविध विभाग व कार्यक्रम में पद विभूषित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस साल ऋषिका पांडे को CEO के रूप में, प्रीति असनानी को चीफ मेंटर के रूप में चुना गया है। इसके अलावा प्रत्येक कार्यक्रम और विभाग के कुशल आयोजन के लिए 3 या 4 डायरेक्टर नियुक्त किए जाते हैं। नमस्ते, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे यूथ फेस्टिवल के बारे में जो है क्रिसेंडो। इस साल का हमारे क्रिसेंडो का थीम है ना सिटीजनशिप ना रूलरशिप, हंगरी फॉर फ्रेंडशिप। तो इस साल ही हमने थीम इसलिए चूज किया है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं हमारा यूथ इतना ज़्यादा फ़ोन और सोशल मीडिया में रहता है, तो हम ये मैसेज उनमें पास ऑन करना चाहते हैं कि सिर्फ फ़ोन से या सिर्फ सेल्फी अपलोड करने से दोस्ती नहीं होती, पर्सनल बॉन्ड बनाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। तो इस साल क्रिसेंडो के माध्यम से हम ये मैसेज देना चाहते हैं और हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जिसमें आके वो अपना टैलेंट शोकेस करें और उसके साथ ही अपना बॉन्ड बढ़ाए। इस बार क्रिसेंडो में 28 इवेंट्स हैं, स्पोर्ट्स और कल्चरल। स्पोर्ट्स इवेंट्स मोस्टली सुबह चालू होते हैं, शाम तक रहते हैं और कल्चरल इवेंट्स शाम को और सुबह दोनों रहते हैं। बहुत सारे इवेंट्स हमारे हाईलाइटेड रहते हैं जैसे वॉर ऑफ डीजेस, फैशन शो, डांस, एड मेकिंग, फिल्म मेकिंग एक्सेट्रा। और स्पोर्ट्स के तो इवेंट सबसे ज़्यादा फेमस रहते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। क्रिसेंडो की एक और खासियत ये है कि हम लोग जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जिन्हें अभी इतना ज़्यादा मायना नहीं दिया जाता, वो ये जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया, टग ऑफ वॉर हो गया, ये सारे इवेंट्स भी हम लोग कराते हैं ताकि एक ट्रेडिशनल वाला जो स्पिरिट है हम सब में रहे। इस साल क्रिसेंडो की डेट से 30th से 2nd जान, आप लोग प्लीज़ आइए। हमारे जो थीम है, थीम के हिसाब से हम लोग इवेंट प्लान करते हैं। इवेंट के रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे रहते हैं जिससे हम ये चीज़ उनको मैसेज पास ऑन किया जाए। जैसे हमारे उसमें होता है टिकटॉक, एड मेकिंग, फिल्म मेकिंग, तो उन जो थीम दिए जाते हैं वो ऐसे दिए जाते हैं, ग्रुप इवेंट्स रहते हैं उसमें उनको थीम ही ऐसे दिए जाते हैं जिसमें पर्सनल इंटरेक्शन बढ़े, साथ में आके वो लोग काम करें और हमारा मोटो भी सक्सेस हो। जी नहीं, मोबाइल बैन नहीं, मोबाइल का यूज़ गलत नहीं है, मोबाइल यूज़ करना चाहिए, ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा डिवाइस है वो, बट हम लोग ये चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल यूज़ ना हो, दोस्ती बढ़े, पर्सनल इंटरेक्शन बढ़े, इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़े हमारे यूथ की। दिस इज आवर मोटो। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।